कोशिश की, लेकिन आओ मैं बताऊं, कुछ दौर आगे बढ़ा, आगे चलता रहा, अल्लाह पर ताबईन का दौर आया। ताबईन ने अपने तरीके से मजहब इस्लाम को लोगों को पहचानवाया कि ऐ लोगों, मजहब इस्लाम इस तरीके से है, इसके लिए लवाजिमात है, इसको तुम मानोगे तो मुसलमान कहलाओगे। अल्लाह पर दीगर की चलते चलते बात यहाँ तक आई कि जब सैयदना सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला का दौर आया तो सैयदना सरकार गौसे आजम ने अपने तरीके से मजहब इस्लाम को लोगों को पहचानवाया। अल्लाह पर जब मखदूम अशरफ की छोछा का दौर आया तो उन्होंने अपने तरीके से लोगों को इस्लाम को पहचानवाया। जब हुजूर ख्वाजा अली नवाज चिश्ती अजमेरी का दौर आया उन्होंने अपने तरीके से मजहब इस्लाम को पहचानवाया। लेकिन जब मुजद्दिद का दौर आया, इमाम अहमद रजा खान फासले बड़े नबी अलैहि रहमत व रिजवान का दौर आया तो आला हजरत के दौर में किस्म किस्म के बातें फिरते सर उठा उठा कर बोल रहे थे। आला हजरत के दौर में हर तरीके से कई नश्तियत सर उठा रही थी, कई दादा कादियानियत सर उठा रही थी, कई नेचरियत सर उठा रहा था। अल्लाह तमाम पातला है फिर कहा है पातला सर उठा करके बोल पाला कर रहे थे। लेकिन आला हजरत ने सबको एक मैदान में जंग की दावत दी थी, बोलो गो इधर आओ हम, इधर आओ हम जिगर आजमाए, इधर आओ हम जिगर आजमाए, आओ इधर आओ। आला हजरत ने कहा था कि आ इधर आ जाओ, एक जंग में सर एक मैदान में सबको दावत दी थी आला हजरत ने। तमाम फिर आए पातला को आला हजरत ने कहा था कि इधर आ जाओ, आज देख लो कि कौन किसके अंदर कितनी ताकत है। आला हजरत ने अपने कलम के जरिए तमाम फिर आए पातला को निस्तार करते नजर आए। आला हजरत का जब कलम उठा तो सबके गर्दन कटते नजर आए। आला हजरत ने कहा था इधर आओ प्यारे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अगर इनसे तलवार खंजर उठेगा न तलवार इनसे, बाजू हमारे आजमाए। आ जाओ मैदान में उतर जाओ। सब के सब अपने सर को झुका लिए थे क्योंकि तो आला हजरत का जब कलम चल रहा था तो कादियानियत का जनाजा निकल रहा था। आला हजरत का जब कलम चल रहा था तो नेचियत का जनाजा निकल रहा था। आला हजरत का जब कलम चल रहा था तो वहाबियत का जनाजा निकल रहा था। पता चला आज के दौर में जो मजहब इस्लाम पहचाना जा रहा है किसी और के जरिए नहीं, आला हजरत नसीब उल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल जाए काफिले कुफर दलालत माहिए बिना इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की जात। इसलिए मेरे भाइयों हमें और आपको चाहिए कि आला हजरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि जब आप आला हजरत से मोहब्बत करोगे तो नबी हजरत आला हजरत से मोहब्बत करना गोया नबी के तरीके पर चलना है, मुस्तफा से प्यार हो जाएगा। क्योंकि आला हजरत ने ये भी सिखा दिया जहां इल्म का फैजान आला हजरत बांटे हैं वही इसके मुस्तफा का फैजान। इसलिए जरूरत इस बात से सुन लो कि आला हजरत से जुड़ो ताकि रसूल से तुम्हारे सीनों में मोहब्बत पैदा हो, नबी की मोहब्बत तुम्हारे सीने में आए। क्योंकि आला हजरत सरकार से बहुत प्यार करते थे, नबी से बहुत प्यार करते थे, क्यों ना, क्योंकि आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनों में काफिये कुफ्र दलालत माहिये बिदा इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, सारी जिंदगी जो गुजारी अपनी आपने आप नबी के इश्क में गुजारी, नबी की मोहब्बत में गुजारी है। आज कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी आला हजरत को बढ़ा बढ़ा कर नबी सीने से भी ऊंचा कर दिया है सुन्नियों ने। अल्लाह पर उन नादानों से मैं कहना चाहता हूँ आला हजरत को इसलिए सिर्फ आला हजरत नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम का काम किया है, उन्होंने जो है किताबें लिखी है वो बहुत बड़े चिंकित आलिम थे, मुजद्दिद थे, मुहक्किक थे, मुफस्सिर थे, नहीं नहीं बल्कि साथ में ये सब कुछ थे लेकिन साथ में बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। इसलिए दुनिया सुन्नियत जो है आला हजरत को याद कर और जिसके सीने में इश्क रसूल मचला है कसम खुदा की कयामत तक उसका चर्चा होता रहे। उमर फारूक आजम का दौर आपने सुना होगा, उमर फारूक आजम जब इस्लाम नहीं लाए थे तो कोई उमर फारूक आजम से मिलने के लिए तैयार नहीं था,
लेकिन जब हजरत उमर फारूक आजम ने नबी के कदमों में गिर करके और कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया था, अम्बर की तुरही दुनिया तक और कयामत तक लोग हजरत उमर फारूक आजम का चर्चा करते नजर आएंगे, उमर फारूक आजम का जलसा करते नजर आएंगे, क्योंकि उनके सीने में मोहब्बत रसूल, उनके सीने में नबी की मोहब्बत बैठ चुकी थी, आला हजरत के सीने में नबी की मोहब्बत थी। कौन आला हजरत? आओ मैं बताता चलूं, क्योंकि मेरी तकरीर जो है का उन्वान जो है इस्लाह मुआशरा पे है। बस आला हजरत की थोड़ी तारीफ करके फिर मैं गुजरना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, कौन आला हजरत? आओ मैं बताऊं, आला हजरत की जहानत और फतानत का ये आलम था, छोटे से है। बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया, अल्लाह अकबर, आपकी वस्ताज मुकर्रम ने आपको पढ़ाया तो बेटा बिस्मिल्लाह अश्शैतान वजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आप पढ़ लिया करते। फिर वस्ताज ने कहा पढ़ो अलीफ, आला हजरत ने पढ़ा अलीफ, कहा पा ता सा जी हा खा, आला हजरत पढ़ते चले जा रहे। जब आला हजरत के वस्ताज लाम अलीफ पर पहुंचते हैं, आला हजरत खामोश हो जाते हैं, पास बैठे उनके चट्टे अमजद अल्लामा रज़ा अली खान ने कहा था, बेटा वस्ताज पढ़ा रहे पढ़ते क्यों नहीं हो? तो आला हजरत ने कहा, दादा जान मामला ये है, मैं अलीफ तो पढ़ चुका हूँ, लाम तो पढ़ चुका हूँ, अब लाम अलीफ पढ़ने का मतलब क्या है? हुरूफ़े मुफ़रदा में मुरक्कब अल्फ़ाज़ कैसे आ गए हैं? बात समझ में नहीं आ रही है। ए अब्बू जान, दादा जान, यहाँ हुरूफ़े मुफ़रदा है और उस हुरूफ़े मुफ़रदा में अल्फ़ाज़े मुरक्कबा की कोई सही लेकिन मजमून जैसे बदला। आला हजरत अभी नन्हे से है, बिस्मिल्लाह खानी का वक्त है, आप अपने दादा से कहते हैं, दादा बात समझ में नहीं आ रही है, हुरूफे मुफरदा में अल्फाज़े मुरक्कबा कैसे, बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह को पर दादा ने कहा, बेटा वस्ताज पढ़ा रहा है पढ़ो, आपने पढ़ लिया, लेकिन आला हजरत की नजर जद्दे अमजद की तरफ टिकी हुई है, अब दादा जान मुझे इसका जवाब चाहिए। अल्लाह को पर अल्लाह को पर जद्दे अमजद ने समझ लिया, यानी अल्लामा रज़ा अली खान ने समझा कि मेरा ये पोता ये चाहता है कि इसको जवाब दे दिया जाए। अक्ल अगरचे उनके अक्ल के बावरा बात थी, लेकिन जो है उनके जद्दे अमजद ने कहा था, बाबू मामला ये है कि लाम और अलिफ का कितना गहरा ताल्लुक है, बहुत बढ़िया रिश्ता है, इसलिए जो है लाम और अलिफ को लिखा गया एक साथ अल्फाज़े मुरक्कबा कर दिया गया है। आला हजरत ने फिर सवाल किया, दादा जान इतने इससे पहले मैंने अलिफ भी पढ़ा है, बा भी पढ़ा है, ता भी पढ़ा है, सा भी पढ़ा है, जीम भी पढ़ा है, हा भी पढ़ा है, इस लाम अलिफ को लाम को जो है बा के साथ क्यों नहीं किया गया, क्यों दाल के साथ नहीं किया गया, क्यों जीम के साथ मुरक्कब नहीं किया गया, ये लाम के साथ मुरक्कब करने का मतलब क्या है? तो आला हजरत के चंदे अमजद ने कहा था, बेटा लाम का अलिफ से, अलिफ का लाम से इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक है कि जो है लाम अलिफ का कलब है और अलिफ लाम का कलब है। कहा कि अलिफ लाम का कलब है और लाम अलिफ का कलब है। आप दिल के जरा देखिएगा कि फिर कैसे बीच में अलिफ आता है। इसलिए आला हजरत ने समझाया, समझ गए, पता चला कि आला हजरत बचपन ही से बहुत ज़हीन और फतीम थे। मेरे प्यारे वो आला हजरत हैं। आओ मैं देखो, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जब कंसुल ईमान लिखने की बात आई थी, नस्बियत ने तर्जमा किया था, वहाबियत ने तर्जमा किया था, कादियानियत ने तर्जमा किया था, हर हर फिरकाए पापना ने अपने अपने तरीके से कुरान को ट्रांसलेट उर्दू में किया था। लेकिन जब एक किसी ने तर्जमा किया कि बाबा ज्यादा का दाल दर फादा, ए महबूब जब आप गुमराह थे तो आपके रब ने आपको हिदायत दे दी, कसम खुदा की जब मेरे मुजद्दिद आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीनों में लब बाकी कुफ्र दलालत माहिए बेदात इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की नजर इस आयत पड़ती है और इस तर्जमे पर पड़ता है, पड़ती है नजर तो आला हजरत पुकार उठे कि इस तरीके से तर्जमा बेहतर नहीं है। आला हजरत ने कंजुल ईमान लिखा, आला हजरत फरमाते हैं, बाबा जबा का दाल लड़ पाता, ए महबूब जब आपको आपके रब ने अपनी मोहब्बत में खुद रब
और ये ऐसे तर्जमा आला हजरत नहीं कर दिया बल्कि आला हजरत की निगाह के सामने नबी की हदीसे मुबारक भी थी। इसलिए आला हजरत ने जब इस आयत पर आला हजरत की नजर पड़ी लोगों ने तर्जमा लिखा था वो वजदा का था अल्लाह पहता ए महबूब जब आप गुमराह थे तो आज के रब ने आपको हिदायत दे दी। आला हजरत ने कहा नहीं नबी गुमराह नहीं हो सकता, अगर नबी गुमराह होगी वो नबी गुमराह हो जाएगा तो उसकी उम्मत कैसे हिदायत रहनुमाई करने आए वही भटक जाए तो बताओ उसके पीछे कौन भटकेगी कि नहीं भटकेगी, भटक जाएगी ना। और वो लोग तर्जमा करते वो वजदा का दाल का फहदा ए महबूब जब आप भटके हुए थे गुमराह थे तो आपके रब ने आपको हिदायत दी। माँ समझा उन लोगों ने इस तरीके से तर्जमा लिखा जब आला हजरत की नजर इस पर पड़ी तो आला हजरत ने कहा वह वजदा का दाल फहदा ए महबूब जब आपको आपके रब ने अपनी मोहब्बत में कुदरता पाया तो आपको हिदायत दे दी। अब कहोगे कि कैसे आला हजरत ने कह दिया, आओ मैं तुमको बताऊं इस हदीस के ताल्लुक से आला हजरत ने बयान किया था अल्लाह पर जब हजरत जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे रब और रसूल के दरमियान नूर तचल्लियात की बातें हो रही थी अल्लाह के ऊपर अनवार तचल्लियात हो रहे थे। इतने में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तरे नबी के दरवाजे को खटखटाती है, नबी की रहमत फरमाते मन आता अल्लाह के ऊपर इतना कहना था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है अना आयशा मैं आयशा हूँ। नबी ने कहा था मन आयशा आयशा कौन है, क्या नबी अपनी बीवी हजरत आयशा को नहीं जानते थे लेकिन जिस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दरवाजा नबी की खटखटा रही थी उस वक्त जो है नबी और रब के दरमियान अनवार तजल्लियात हो रहे थे। नबी के महबूब फरमाते हैं मन आयशा आयशा कौन है, रब के बीवी मुस्तफा जाने रहमत की बीवी ने कहा था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा था ये ऐसा कहा था ए रसूल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ। अल्लाह के ऊपर नबी ने कहा मन अबू बकर कौन है। अल्लाह के ऊपर जब इस तरीके से नबी की रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवाल करते गए तो रब ने अपने महबूब को कहा ए महबूब तुम अपने रिश्ते अपने करीबी लोगों को भूल ना जाओ, ऐसे अनवार और तजल्लियात रहे तो कोई उम्मत आपके दरवाजे पर फरियाद लेकर आएगी आप उसके बारे में सवाल करने लगेंगे फिर उम्मत आपसे मुतनफिर हो जाएगी आपसे जो नफरत करने लगेगी। इसलिए रब ने अपने अनवार और तजल्लियात को कम कर दिया अपने महबूब को इस तरीके से मनवा लिया। अल्लाह के ऊपर आला हजरत की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ी तो आला हजरत ने तर्जमा इस आयत का यूं बयान किया फरमाया कि ऐ लोगों जब जो है रब ने अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपने महबूब को हिदायत समझ में बात आ रही तो पूरे लोग जो दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोले या रसूलल्लाह आप बेदारी के साथ बैठे जान ले आप इसके उर्स में शरीक हैं आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत पातिये कुफ्र व दलालत माहिये बिदात इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की ओर से पाक में है। कसम खुदा की आप बरेली की सरजमीन का नजारा देखें इस वक्त देखें या जो है दोपहर में देखे होते दीवारों की भीड़ लगी हुआ होती है दीवारों की वहाँ भीड़ हुआ करती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम यहाँ बैठ करके जो है अगर अपने आला हजरत को याद करेंगे कसम खुदा की आला हजरत की नजगाहें हमें देख रही होंगी उनकी निगाहें हमें मुलाहजा कर रही होंगी क्योंकि आला हजरत की नजर ऐसी वैसी नजर नहीं है आला हजरत की नजर वो नजर है। कसम खुदा की मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आला हजरत की नजर पाक थी तब पे तब तो इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर उनकी आंखों के अंदर ऐसा नूर जाकर कर दिया था ऐसा नूर रख दिया था कि बेदारी की हालत में रब के महबूब की ज़ियारत कर लिया बेदारी की हालत में और जब निगाहें पाकीज़ा होती है ना तभी ये काम होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार हो जाए।
तभी ऐसा मामला होता है। आला हजरत वसीम उल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत पाकी कुफ्र दलालत माही बिदात इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान पूरी जिंदगी नबी से मोहब्बत करते रहे, मुस्तफा के प्यार में जो है आला हजरत सरसार रहा करते थे। आओ मैं तुमको बताऊं, ये इससे ये पता चलेगा कि आला हजरत जो है नबी के शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। एक भिखारी आला हजरत के दरवाजे पर आया और कहा कुछ दे दो वरना हवेली पलट दूंगा। उसने कहा कुछ दे दो वरना हवेली पलट दूंगा। अल्लाह को आला हजरत घर से बाहर निकलते हैं, कहा नादान तू इस तरीके से मत दे, तो रब की हुक्मरानी पर दखल अंदाजी कर रहा है। मांगना है तू मांग ले, 100 रुपया मांग ले, 5 रुपया मांग ले, 10 रुपया मांग ले, मैं अता कर दूंगा, लेकिन इस तरीके से मत कह कि मैं हवेली पलट दूंगा। अल्लाह को पर अल्लाह को पर इतना कहना था। उनकी वालदे मोहतरमा आला हजरत के घर के अंदर थी, कहती बेटा अहमद रजा फकीरों से नहीं उलझा जाता। अल्लाह को पर आला हजरत की वालदा का इतना कहना था कि मुस्तफा रजा खान छत के ऊपर टहल रहे थे। अल्लाह को पर अल्लाह को पर पैर फिसला, आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आजम नीचे गिराते हैं। इतने में वालदा कहती है बेटा अहमद रजा देख लिया ना, फकीरों से नहीं उलझा जाता है। अल्लाह को पर आला हजरत वसीम उल बरकत कहते मां कुछ भी हो जाए एक मुस्तफा रजा नहीं हजारों मुस्तफा रजा हो, अगर नबी की शरीयत के खिलाफ कोई बातें करेगा अहमद रजा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुस्तफा जाने रहमत का कलंदर हुजूर आला हजरत फरमाते हैं फकीर तू हवेली पलटने की बात करता है। आला हजरत अपने जूते को निकाल दिया करते हैं, जूता उल्टा कर दिया करते हैं और कहते हैं जूते को तू सीधा कर दे। अल्लाह को पर फकीर जो है अब आला हजरत के जूते को एक हाथ से उठाता है, उठा नहीं पा रहा है, जूते को हिला नहीं पा रहा है। अल्लाह को पर अल्लाह को पर दोनों हाथ लगा दिया करता है फिर भी जूता नहीं हिल रहा है। अल्लाह को पर पूरी ताकत अपनी सर्व कर दिया, जूता नहीं हिला पा रहा है। आला हजरत से कहता है फकीर तो कोई जादूगर है, तो जादूगर है। आला हजरत जब इतना सुनते हैं जलाल के आलम में आते हैं, नादान में जादूगर नहीं हो, मैं तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का आशिक हूँ। मेरे महबूब की शरीयत के खिलाफ कोई आवाज चला दे, नबी की शरीयत के खिलाफ कोई जबान चला दे तो इमाम अहमद रजा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आला हजरत फरमाते हैं अहमद रजा उसको बर्दाश्त करता ही नहीं। आज कुछ लोग बिकते हैं बिकने दो, कुछ लोग चलते हैं चलने दो, कुछ लोग चापलूसी करते हैं करने दो, लेकिन मैं पूरे डंके के चोट पर कह रहा हूँ जो आला हजरत का पक्का आशिक होगा, जो आला हजरत के नकोश पर चलेगा कसम खुदा की वो कभी बिक नहीं सकता है। आज फतवा बेचने वाले बेचे, लेकिन आला हजरत का जो सच्चा पक्का गुलाम होगा वो अपना फतवा नहीं बेचे। दर के भिखारी ऐसे नहीं हुआ करते। अल्लाह पर आला हजरत नबी से बहुत प्यार करते थे, उनकी शरीयत के खिलाफ कोई आवाज उठाते तो आला हजरत जो है उसको मिसबार करते नजर आते थे। उसको जो अपने कलम के जरिया अपनी जुबान के जरिया आला हजरत उसे मिसबार करते नजर आते थे। अल्लाह पर आला हजरत का इश्क देखिए नबी से कितना है। आओ मैं अब आप आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह पर आला हजरत जो है हज के लिए निकलते हैं। पहले लोग जो है पैदल हज किया करते थे या स्टीमर के जरिया हज किया करते थे। आला हजरत स्टीमर के जरिया हज करके जो है हज करने के लिए निकलते हैं। आला हजरत का ईमान इतना मजबूत था और नबी की जुबान पर इतना भरोसा था, मुस्तफा के कौल अमल पर ना हजरत आला हजरत को इतना भरोसा था। अल्लाह को पर आला हजरत निकलते हैं, जब स्टीमर पर सवार होते हैं तमाम लोग उस स्टीमर में सवार है हज करने के लिए जा रहे हैं। जब स्टीमर बीच छाल में पहुंचता है हज को ले खाने लगता है, नाव चलाने वाले ने ऐलान कर दिया ओ लोगों अपनी जान की जिम्मेदारी ले लो, मैं किसी की जान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि नाव गर्क होने वाली है, स्टीमर डूबने वाला है। सब लोग आहोजारी करने लगे, आहो फेगा करने लगे। आला हजरत असीम उल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत
माहिए विदा इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी अलैहि रहमत कब्र जवान के कोशे में बैठ करके जिक्र खुदा में मशगूल है। आला हजरत की वालिदा कहती है बेटा अहमद रजा नाव डूब जाएगी, स्टीमर गर्क हो जाएगा, हम तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। आला हजरत का इश्क फोड़ पड़ा, ओ मां कौन कहता है नाव डूब जाएगी, नाव नहीं डूब सकती क्योंकि अहमद रजा अपने नबी के फरमान पर कुर्बान हो गया है। अहमद रजा इमाम अहमद रजा जो है मुस्तफा जाने रहमत पे मुस्तफा जाने रहमत के कौल पर अमल कर लिया है। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम सवारी पर सवार हो तो आप लो खतरात से महफूज हो जाओगे। मैं दुआ को पढ़कर ही शरीर पर सवार नाव नहीं डूब सकती है, स्टीमर नहीं डूब सकता है क्योंकि नबी के कौल पर मैंने अमल कर लिया है। मेरे महबूब फरमाते हैं कि अगर तुम सवारी पर सवार हो तो आप पढ़ लो खतरात से महफूज हो जाओगे। आला हजरत का इतना कहना था पर लेकिन सब लोग नाहो जारी कर रहे थे। आला हजरत वज़्द के आलम में आते हैं तो कलम को उठाते लिखना शुरू करते हैं, आने दो यादी बोलो अब तो तुम्हारे जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। आला हजरत अपने कलम के जरिया इरशाद अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। आला हजरत का ईमान रसूल पर इतना था, नबी के कौलो फेल पर इतना था, पर आला हजरत फरमाते हैं आने दो यादी बोलो अब तो तुम्हारे जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। और आला हजरत अरबी के शेर लिखते हैं अल बहर वाला अल मौजूद दगा मन बेकसू का ओशरफा मझधार में वो बिगड़ी है हवा मरी नैया पार लगा जा सरकार की तरफ यानी नबी रहमत की तरफ लौ लगाते हैं, लिखते हैं अल बहर वाला अल मौज प्रवा मन बेकस्तूफा ओशरुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। मझधार माने यानी पीछ धार में हूँ बिगड़ी है हवा पूरी नैया पार लगा जाना। आला हजरत इस तरीके से लिखते हैं जब जो है नबी से इस्तगासा किया है मुस्तफा से मदद मांगी है अल्लाह पर स्टीमर जो है साहिले समंदर पहुंचता है। आला हजरत को फिर वजह तारी होता है रोजे रसूल पर पहुंचते हैं। अब दिल में एक तमन्ना है तमन्ना पे तमन्ना है आरजू पे आरजू है ख्वाहिश पे ख्वाहिश है। आला हजरत ने सोच लिया अब बेदारी के आलम में अब नबी का जलवा देखेंगे मुस्तफा के चेहरे का दीदार। जैसे अपने माथों की निगाहों से आप कोई चीज देखें फिर वो नक्श हो जाए जहन पर क्योंकि आपकी रोशनी उसे देख रही है। इसी तरीके से आला हजरत सोचते हैं कि सरकार का दीदार हो वो भी बेदारी की हालत तमन्ना पे तमन्ना आरसू पे आरसू आला हजरत कर रहे हैं। ए महबूबे खुदा ए मुस्तफा जारे रहमत अब एजाबात हटा दीजिए जलवा दिखा दीजिए। आला हजरत तमन्ना पे तमन्ना कर रहे हैं आरसू पे आरसू कर रहे हैं लेकिन आला हजरत की नजर जब उठी तब क्या देखते हैं 70,000 मलाइका सलात व सलाम पेश करने के लिए आते हैं 70,000 शाम में आते हैं। आला हजरत की नजर पड़ी तब देखा कि फरिश्ते सलात व सलाम पेश करने के लिए आते हैं। वो फरिश्ते जो एक मरतबा आ गए अब कयामत तक उनकी बारी आने वाली नहीं है। जब आला हजरत इस मंजर को देखते हैं तो लिखना शुरू करते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा तुझसे शेदा हजार तेरी कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे शैतान हजार फिरते हैं। आला हजरत ने इस मंजर को देखा कि देखा कि 70,000 मलाइका सलात व सलाम पेश करने के लिए आ रहे हैं 70,000 शाम में आ रहे हैं। तो आला हजरत सोचते हैं कि फिर हमारा की क्या हैसियत है हमारी यानी क्या हैसियत है यहाँ पर। आला हजरत ने कहा फिर भी मैं डटे रहूंगा नबी का चेहरा देखूंगा मुस्तफा का दीदार करूंगा। आला हजरत ने सोच
बच करके रोजे रसूल पर बैठे हुए है, तमन्ना पे तमन्ना है, ख्वाहिश पे ख्वाहिश है, आरजू पे आरजू है। या रसूल अल्लाह तमाम हिजाबात हटा दीजिए, अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए, कौन चेहरा